प्रशन में नृत्य के दौरान अवैध तमंचे से चली गोली में किशोर की मौत। मलवा हरदोई मलवा कोतवाली के सडियन पुरवा में बेटे के अन्नप्राशन कार्यक्रम में नृत्य के दौरान अवैध तमंचे से फायर करने के चलते एक बालक की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक सीओ बिलग्राम सहित भारी पुलिस फोर्स पहुंची। घटना से गांव में दहशत फैली। मामला मलावा कोतवाली क्षेत्र के सनियन पुरवा निवासी शिवराम उइके के लड़के का शुक्रवार को अन्नप्राशन था। उसी खुशी में देर रात घर के सदस्य नाच गाने में लगे हुए थे, तभी शिवराम ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली पास में बैठे बालक गणेश की उम्र 8 वर्ष के पेट में जा लगी और उसकी आंतें बाहर आ गईं। दूसरा बालक विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया। रात में कोतवाली सुनील कुमार सिंह गश्त पर थे, उनको जैसे ही घटना की जानकारी मिली मैफोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचकर दोनों बालकों को गाड़ी से इलाज के लिए मलावा ला रहे थे। इस बीच रास्ते में कनिष्क की मौत हो गई। दूसरे घायल बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलावा लाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सीओ बिलग्राम विशाल यादव कोतवाल सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, पूरी घटना की जांच पड़ताल की। पिता की तहरीर पर शिवराम उसके पिता पुतीलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। फायरिंग की घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। थाना मल्लावा क्षेत्र में कमलेश सनाफ नंदराम आरओ सड़ियनपुरवा इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि गांव के शिवराम के बेटे का खीर का कार्यक्रम था जिसमें डांस चल रहा था और वहां पर शिवराम ने एक तमंचे से फायर कर दिया जिसमें एक बच्चा कनिष्क जिसकी उम्र लगभग 8 साल है उसकी डेथ हो गई और एक दूसरा बच्चा जिसके हाथ में गोली लगी है विपिन जो कि खतरे से बाहर है। पुलिस ने तत्काल सूचना पर अभियोग उचित धाराओं में पंजीकृत किया है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।